दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा। ठंडियों के मौसम में आदमी बहुत कम पानी पीता है तो पानी की कमी हो जाती है शरीर के लिए, इसलिए इसको पूरी करने के लिए आज हम कुछ लिक्विड डाइट के बारे में बात करेंगे। ठंड में पानी की कमी और वजन बढ़ने से बचाएंगे ये पांच लिक्विड डाइट। दोस्तों ठंड के कारण ठंडियों में लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है, जिस कारण अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों कभी कभी तो शरीर में पानी की इतनी कमी हो जाती है कि बेहोशी, चक्कर आना आदि भी आने लग जाते हैं। इस स्थिति में यहाँ जानलेवा तक साबित हो सकता है या होता है। इसलिए दोस्तों आज बात कर रहे हैं किस प्रकार से आप आयुर्वेद को अपनाकर शरीर में पानी की कमी के साथ जो सर्दियों में वजन बढ़ने की सबसे बड़ी समस्या होती है उसे एक साथ इन लिक्विड डाइट के पीने से दूर कर सकते हैं। दोस्तों आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ठंडे मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी से आप आसानी से बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दोस्तों इन पांच प्रकार के पेय पदार्थों का सेवन आपको ठंड के मौसम में बीमारियों से तो बचाएगा ही, पानी की कमी को भी पूरा करेगा और वजन भी कंट्रोल करेगा तो जानते हैं। नंबर एक, गर्म पानी। दोस्तों सबसे आसान और सुलभ तरीका है गर्म पानी पीना, जो गर्म होने पर कीटाणु रहित भी होता है जब इसको उबाल देते हैं, और पाचन और शरीर की ताकत को भी दुरुस्त करता है, जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं। नंबर दो, चाय। दोस्तों ग्रीन टी हो, ब्लैक टी हो या फिर अदरक वाली और दालचीनी वाली गर्म चाय आपको सर्द मौसम में बीमार पड़ने से ज़रूर बचा सकती है। इसलिए दोस्तों इसका सेवन करने से परहेज न करिए, इन्हें जरूर पीए। नंबर तीन, सूप। दोस्तों सूप हमेशा से ही हेल्थ के लिए एक बेहतरीन विकल्प रहा है, इसलिए आप बेझिझक अपनी पसंद के गर्मा गर्म सूप का सेवन करिए और सर्दियों में स्वस्थ रहिए। नंबर चार, दालचीनी का पानी। दोस्तों दालचीनी को पानी के साथ उबालकर तैयार किए गए पानी का उपयोग मौसम की आपको बीमारियों से बचाता है तो यहाँ एक अच्छा विकल्प भी है। नंबर पाँच, तुलसी का काढ़ा। दोस्तों तुलसी को सभी जानते हैं, इस मौसम में तुलसी का काढ़ा आपको बीमार पड़ने से बचा सकता है। आप चाहे तो इसमें गुड़, अदरक या लौंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कम ही रखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।